कक्षा 6 विषय हिंदी एक बार पुनः मैं सतीश पंडित आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित हो गया हूँ। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी न्याय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, इस कहानी को मैं आपके समक्ष आज प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। इस कहानी में बुद्धि चातुर्य की बात बताई गई है। यह कहानी अरब कंट्री इराक की है। इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने अपने दोस्त पर विश्वास करते हुए यात्रा करने का निश्चय किया। उस व्यापारी ने सोचा कि मैं यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत धन है, उस धन का मैं क्या करूँगा। धन के रूप में उस व्यापारी के पास 1000 सोना मोहरे थी। उस व्यापारी का नाम था अली ख्वाजा और उसका एक मित्र था। मित्र का नाम था वाजिद। वह वाजिद पे बहुत विश्वास करता था। वह सोचता था कि मेरा यह दोस्त विश्वास करने के लायक है, यह कभी विश्वासघात नहीं कर सकता। और इतना विश्वास होने के कारण जब बगदाद के इस प्रसिद्ध व्यापारी अली ख्वाजा ने यात्रा करने का निश्चय किया, मक्का शरीफ की यात्रा करने का निश्चय किया, तो उसने अपने पास जो 1000 सोना मोहरे थी उसमें से 500 सोना मोहरे इस यात्रा के दौरान खर्च करने के लिए अपने पास रख ली। वह पर्याप्त थी, अन्य 500 सोना मोहरों का क्या किया जाए, ऐसा अली ख्वाजा सोचने लगा। अली ख्वाजा क्या सोचने लगा कि मेरे पास बहुत से सोना मोहरे हैं। अली ख्वाजा ने सोचा कि मेरे पास बहुत से सोना मोहरे हैं, मेरे पास बहुत सोना मोहरे है, मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। ऐसा अली ख्वाजा सोचने लगा है कि मेरे पास सोना मोहरे तो बहुत है, 500 सोना मोहरे तो यात्रा के दौरान मैं खर्च कर सकता हूँ, लेकिन बाकी की सोना मोहरे बच जाए। उस उद्देश्य से उसने एक योजना बनाई और उस योजना के तहत उसने क्या काम किया कि वह सोना मोहरों को एक घड़े में डालकर घड़ा अर्थात मटका, तो एक ऐसे मटके में डाल दिया इन सोना मोहरों को, साथ में उस घड़े को तेल से भर दिया। उसने वह जो घड़े में सोना मोहरे डाली थी उसको अच्छी तरह से ढक दिया, ढक्कन रख करके अच्छी तरह से पैक कर दिया। और उसके बाद उस घड़े को लेकर के
अली ख्वाजा अपने मित्र वाजिद के पास गया। उसके मित्र का नाम क्या था? वाजिद। वह वाजिद के पास गया और वह जो घड़ा था वह उसे दे दिया। यह कहा कि इसमें तेल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? तेल भरा हुआ है। मैं यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? यात्रा करने के लिए, अर्थात प्रवास करने के लिए, और वह भी धार्मिक प्रवास, धार्मिक यात्रा। मैं मक्का शरीफ की यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ और मेरे पास इस घड़े में तेल भरा हुआ है, तुम इसे रख लीजिए। जब मैं यात्रा करके वापस आऊँगा तो मुझे यह जो घड़ा है वह तुम वापिस दे देना। वाजिद को इस शर्त को मानने में कोई कठिनाई नहीं थी। उसने कहा कि तुम एक काम कीजिए, मेरे घर के तहखाने में, नीचे का हिस्सा था, तहखाना था, उसमें अपने हाथ से इस घड़े को रख दीजिए। अली ख्वाजा ने ऐसा ही किया। अली ख्वाजा ने वह जो सोना मोहरों से भरा हुआ घड़ा था उसे तहखाने में रख दिया। कहाँ रख दिया? तहखाने में रख दिया। और उसके बाद यात्रा करने के लिए चला गया। यहाँ एक दिन की बात है, वाजिद के यहाँ कोई भोजन प्रसंग होने वाला था। लोगों को दावत दी गई थी अगले दिन भोजन करने के लिए, आप आइए। कोई प्रसंग रहा होगा, कोई अवसर रहा होगा, तो वाजिद के यहाँ पकवान बन रहे थे। क्या बन रहे थे? पकवान बन रहे थे। लेकिन शाम के समय में तेल की कमी हो गई। जितना भी तेल था वाजिद के घर सब पूरा हो गया। लेकिन धीरे धीरे शाम रात में ढल चुकी थी और बाजार जो था वह बंद हो चुके थे। बाजार बंद हो चुके थे। क्या किया जाए? वाजिद की पत्नी ने कहा कि तुम्हारा दोस्त अली ख्वाजा तहखाने में तेल रख के गया है, तुम उनमें से थोड़ा तेल निकाल लो और बाद में बाजार से कल दूसरा नया तेल ला करके उस घड़े में तुम डाल देना। तुम्हारा मित्र आज ही रात को तो आज आने वाला नहीं है, क्योंकि रात हो चुकी है, कल की बात कल देखी जाएगी। वाजिद ने यह जो योजना थी, यह जो बात थी, वह मान ली और वाजिद तहखाने में गया। उसने अली ख्वाजा का जो घड़ा था वह खोला, उसमें से तेल निकाला। लेकिन तेल निकालते निकालते ऐसा लगा कि नीचे कुछ है। देखा, सोचा, उसने दूसरे बर्तन में पूरा तेल निकाला तो नीचे से 500 सोना मोहरे दिखाई दी। उसने पूरी सोना मोहरे ले ली और अलमारी में कहीं छुपा करके रख दी। दूसरे दिन उसने बाजार से ला करके नया तेल उस घड़े में डाल दिया और उसे उसी तरह सील बंद करा दिया जैसा अली ख्वाजा ने घड़े को पहले सील बंद किया था। कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा यात्रा से वापिस लौट आए। यात्रा से आ गए। वह अपने मित्र वाजिद को मिले। दोनों ने यात्रा के बारे में खूब चर्चा की। यात्रा की चर्चा हुई, खूब अच्छी तरह से चर्चा हुई। उसके बाद उसने कहा कि मेरा तेल से भरा हुआ घड़ा कहाँ है? अली ख्वाजा बोले। वाजिद ने कहा, तुमने तहखाने में रखा था, मुझे तो पता ही नहीं, जहाँ रखा था वहीं से ले जाओ। अली ख्वाजा तुरंत
तहखाने में गए, अपना घड़ा लिया और अपने घर चले गए। दूसरे दिन घर जा कर के उन्होंने तेल से भरा हुआ यह घड़ा खोला, लेकिन उनके पांव तले जमीन खिसक गई, अर्थात वे काफ़ी घबरा गए क्योंकि घड़े में तेल था किंतु सोना मोहरे नहीं थी। वह उल्टे पांव तुरंत वाजिद के पास गए और वाजिद को कहा कि मेरे घड़े में रखी सोना मोहरे दे दें। इस पर वाजिद ने कहा, मुझे क्या मालूम, मैंने तो तेरे घड़े को छुआ भी नहीं, तूने अपने हाथ से तहखाने में रखा था, अपने हाथ से वापिस ले गया, उसमें तेल था या क्या था मुझे क्या पता, वह तो नट गया। फिर क्या हुआ, वाजिद और अली ख्वाजा के बीच में झगड़ा होने लगा। इस पर लोगों ने कहा कि तुम एक काम कीजिए, काजी की अदालत में जाइए, अर्थात न्यायालय में जाइए। वह न्यायालय में गया, काजी की अदालत में गया, लेकिन उस वहां भी उसको पक्के सबूत के अभाव पर न्याय नहीं मिला। इस पर वह काफी घबरा गया, उसे निराश होकर वापिस लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा, जो न्याय के लिए जाना जाता था, उसके पास अपील की, विनती की। उसने कहा, दुहाई हो, मुझे न्याय दिया जाए, मेरे दोस्त ने मेरे साथ गद्दारी की है और मेरी सोना मोहरे ले ली है। बगदाद का खलीफा सोचने लगा, न्याय तो करना पड़ेगा, और उसने कहा कि मैं एक सप्ताह के बाद तुम्हारी इस घटना की सुनवाई करवाऊंगा। एक दिन बगदाद के खलीफा, अर्थात बगदाद के जो राजा थे, वह वेश परिवर्तन करके अपने नगर में घूम रहे थे। तब उन्होंने देखा कि कुछ लड़के न्यायालय का खेल खेल रहे थे। किस चीज का खेल खेल रहे थे, न्यायालय का खेल खेल रहे थे, और उसमें जो न्यायाधीश बना हुआ था, उस लड़के का नाम था हसन। क्या नाम था विद्यार्थियों? हसन। हसन जो था वह बहुत ही समझदार लड़का था, वो बहुत अच्छी तरह से न्याय कर रहा था। न्यायालय के खेल में हसन का, न्यायाधीश का किरदार देखकर बगदाद के खलीफा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस लड़के को अपना परिचय दिया और कहा कि तुम न्यायालय के खेल में न्यायाधीश का बहुत अच्छा न्याय कर रहे हो, अच्छा रोल अदा कर रहे हो। दूसरे दिन दरबार लगा, दरबार में उस युवक को भी बुलाया गया था। वह युवक हसन वहां मौजूद था। उसी समय अली ख्वाजा और वाजिद भी वहां उपस्थित हुए। दरबार में खलीफा ने हसन नामक युवक को कहा कि तुम इन दोनों व्यक्तियों का जो झगड़ा है उसे सुनो, दलीलबाजी सुनो, और उसके बाद न्याय करने का प्रयत्न करो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि क्षमता बहुत ही सुंदर है। इस पर हसन ने अली ख्वाजा और वाजिद की बात सुनी और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम दो तेलियों को बुलाओ। दो तेलियों को बुलवाया गया। थोड़ी देर में दोनों तेली आ गए जो तेल का उत्पादन करते हैं। हसन ने उनसे कहा, आप बताइए कि इस घड़े में जो तेल रखा हुआ है वह कितना पुराना है।
दोनों तेली जो थे वह बगदाद के तेल के बड़े व्यापारी थे। दोनों तेलियों ने बारी बारी से उस तेल को सूंघा, देखा और चखा। उन्होंने वह तेल देखा, उसे सूंघा और थोड़ा चख भी लिया और उसके बाद घड़े का तेल 2 महीना पुराना है ऐसा पूरे विश्वास के साथ उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा पुराना नहीं हो सकता। तेलियों की बात सुनकर वाजिद के पांव तले जमीन खिसक गई, वह घबरा गया। उसे पता चल गया था कि अब कुछ मुसीबत मेरे ऊपर आने वाली है। वही अली ख्वाजा ने कहा कि मैं तो करीब 6 महीने पहले, आज से 6 महीने पहले यात्रा के लिए निकला था, तब मैंने घड़े में नया तेल भरा था, अर्थात यह तेल कम से कम 6 महीना पुराना है, मेरे वाला तेल, जबकि इस घड़े में तो 2 महीने ही पुराना तेल है, अर्थात यहाँ वाजिद ने बाद में इस तेल को घड़े में भरा हुआ है। फिर तो क्या था, वास्तविकता का पता चल गया, पक्के सबूत मिल गए। तुरंत खलीफा ने वाजिद को रिमांड में लेने का निश्चय किया, उसे सजा देने का निश्चय किया, उसके ऊपर कोड़े बरसाए गए। तुरंत वाजिद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और अली ख्वाजा को न्याय मिल गया। यहाँ हसन की बुद्धि चातुर्य की क्षमता को देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया, बहुत इनाम दिए और अली ख्वाजा को सोना मोहरे वापस लौटा दी गई। वाजिद को सोना मोहरे वापस देनी पड़ी। यही नहीं, वाजिद को विश्वासघात और अपराध की सजा भी मिली। इस प्रकार इस कहानी में हम देख सकते हैं 2 बातें। एक बात, अपने दोस्त के ऊपर विश्वास अवश्य करना चाहिए, लेकिन दोस्त को भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, विश्वासघात बहुत बुरी बात है। दूसरी बात यह हमें देखने को मिली, एक युवक का बुद्धि चातुर्य, न्याय की बहुत ही महत्वपूर्ण बात। उसने जिस प्रकार न्याय किया, वह युवक छोटा था लेकिन उसने न्याय का जो तरीका अपनाया वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसने अपनी सूझबूझ से न्याय की एक अच्छी मिसाल प्रस्तुत की। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके समक्ष इस कहानी को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आने वाले दूसरे वीडियो में कहानी का स्वाध्याय, कहानी की समीक्षा के साथ साथ प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण।